सॉफ्टवेयर और अनलॉकिंग करना, और अनलॉकिंग करना फ्री टूल से। रिक्वायरमेंट लिखिए क्या क्या चीजें हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, आवश्यकता होती है। रिक्वायरमेंट में लिखिए ओडिन 3 फ्लैश टूल, ओडिन ODIN ओडिन 3 फ्लैश टूल, हाँ ओडिन 3, हाँ ODIN 3 फ्लैश टूल या ओडिन कह सकते हो, ये चाहिए होता है हमें। ठीक है, अब इसमें तीन वर्जन दिखा रहे, कौन सा लेटेस्ट है जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ठीक है हरिओम, तीन है ये, तीन में से छांटना है, कौन है बताओ, कौन सा डाउनलोड करोगे। कौन सा, दूसरे नंबर वाला, ये सही कह रहे हैं, कौन सा करेंगे। निकता मैम मोबाइल ले लीजिए, बताइए कौन सा करेंगे, कौन सही वाला, तीन है उसमें, तुम बताओ कौन सा करेंगे, बीच वाला। ये समझ लो भाई, बहुत जरूरी है ये, जू नैन वाला है, नहीं नहीं क्या कह लाल मोहन जी, ये वाला पक्का तुम्हारी अरेंज मैरिज हुई, लव मैरिज नहीं हुई है, बताओ सही बात है कि नहीं, सही है ना, सही बात है। हाँ अरे बता रहे तुम्हें कौन सा है, बीज वाला है, राकेश जी तुम बताओ, बीज वाला है, अरुण तुम बताओ, बगल में बैठ के हैं भाई मेरे, देखो सिस्टम ये है यार, कभी लड़क तुम जब शादी करने के तुम लकी देखी थी, किताब ले देखी थी तो मतलब कि क्या मतलब कैसे दिक्कत, मतलब बात देखी थी, पिताजी ने मतलब पसंद की थी क्या, पिताजी ने मतलब पसंद की थी क्या यार, जब तुम देखने जाओगे तो अपने लेवल तो पसंद करोगे यार। ठीक, यहाँ पे तीन लड़कियां हैं समझ लीजिए आप, और आपको अपने लिए सिलेक्ट करना है, बताइए कौन सी करोगे। अब भाई देखो यार, देखो सीधी सी बात, वर्जन हम बताए हैं, क्या बताए हैं, ठीक वर्जन बताए हैं, वर्जन कि भैया लेटेस्ट वर्जन करना है यार, तो लेटेस्ट कौन सा है, 3.07 समझना पहले, 3.09 और यहाँ पे क्या 3. कितना है 13, कौन ज्यादा हुआ, बीज वाला 0.1, इसलिए कहने कि हमें मतलब किसी चीज है यार। ठीक है, वी का मतलब वर्जन है, अगर वी ना लिखा हो तब भी हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये लेटेस्ट वाली है, क्यों डीजे मुकेश सही है, तो अगर देखने जाना तो अपनी लेवल की देखना, ठीक है ना, पता चले ज्यादा उम्र जाके। चलिए तो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, वर्जन में हम लोग नंबरिंग देखते हैं, कौन सा वर्जन जो है ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि हमारा काम भैया लेटर से ही होगा। हाँ तो ये देखो डाउनलोड हो गया हमारा टूल, पहला टूल ये था हमारा। अब हमें क्या चाहिए, सैमसंग के ड्राइवर, ब्रांड वाइज चल रहा है, ठीक सीपीयू से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सैमसंग के अंदर क्या है कि सीपीयू लगे होते कौन कौन से, ठीक है उसके अंदर सैमसंग का खुद का जो सीपीयू था एक्सिनोस, मैंने स्टार्टिंग एग्नोस सीपीयू सैमसंग के अंदर था, लेकिन सैमसंग के अंदर अब क्वालकॉम भी आता है, मीडियाटेक भी आता है, स्पेक्ट्रम भी आता है, और किसी किसी सैमसंग में डुअल सीपीयू लगे होते हैं, यानी मीडियाटेक भी लगा हो सकता है और स्पेक्ट्रम भी लगा हो सकता है। ठीक है ना, डबल ट्रैकर अलग होता है, डबल सीपीयू अलग होता है, डबल ट्रैकर में दो लेयर में होता है सीपीयू, और इसमें अलग अलग दो सीपीयू होंगे जाके, मतलब मीडियाटेक भी होगा और स्पेक्ट्रम भी होगा। तो आप ये कहोगे कि भैया यार हम सॉफ्टवेयर करें तो कौन से सीपीयू से करें, तो यहाँ पे हमें
सीपीयू से मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है, ब्रांड से मतलब है, सैमसंग का ब्रांड है ठीक है, हमें उससे मतलब खाली, सीपीयू से कोई लेना देना नहीं यहाँ पे, चाहे वो चार सीपीयू उसके अंदर लग के आए और चाहे फिर वो दो सीपीयू लग के आए, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ तो इसका लेटेस्ट ये दिया गया है, हाँ ये आप दिख रहा है ये, लेकिन ये 14 वाला आ गया है, क्या आ गया, इससे भी लेटेस्ट ठीक है, इससे भी लेटेस्ट है। तो हमें फोकस करना है किस पे, कि ब्रांड के हिसाब से हमें ओडिन 3 डाउनलोड करना है, ना कि हमें एसपी प्लस 2 या स्पेक्ट्रम लगा तो कोई उससे कोई मतलब नहीं है। शादी में चाय कितने बराती है, तुम्हारा फोकस दुल्हन के ऊपर रहना चाहिए बस खाली, ठीक है ठीक है, साली पे भी नहीं करना चाहिए, बगल जाए ना बगल में खड़ेंगे ऐसे, ठीक है, नहीं तो क्या होगा बताइए सूरज क्या होगा, अगल बगल शादी में गए हो कभी तो, कभी दुल्हन माला लेके नहीं आती है, अगल बगल दो और आती सहेलियां, आती नहीं आती, देखो नहीं देख राकेश जी, इनको तो पता है साक्षात नहीं है, तो आपको देखना कि आपकी वाली कौन है, ठीक है, आपकी शादी किससे होने वाली है, बीच वाली है समझ लो, शादी में होता है बीचे वाली होती है, हाँ साइड साइड के चक्कर में पड़ गए समझ लो, हाथ धोना पड़ेगा समय समय पर, माल खराब ही कर लोगे या अपनी लाइफ खराब कर लोगे, बहुत उतावले हो रहे हो क्या बात है, शादी के नाम सुन के नहीं ऐसी बात नहीं है, चलो अखिलेश जी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ नहीं हुआ, अरे शादी जब तुम्हारी हुई थी तो क्या मैडम आप अकेले आई थी, दो और साथ में आई होंगी, याद नहीं है, याद नहीं है, देख लो बताना नहीं चाहते याद नहीं है, चलिए जी। तो ये पहली रिक्वायरमेंट थी, हमें क्या करना, ओडिन 3+2 डाउनलोड करना, दूसरी रिक्वायरमेंट हमें क्या चाहिए होती है, सैमसंग यूएसबी ड्राइवर, सैमसंग यूएसबी मॉडेम ड्राइवर, सैमसंग यूएसबी मॉडेम ड्राइवर, यूएसबी मॉडेम जिसको मीनिंग ना ऊपर देख ले, मॉडेम ड्राइवर, हम लोग दो लिंक ओपन करेंगे डाउनलोड करेंगे, सीपीयू से कोई मतलब नहीं है, क्या सुन रहे हो यहाँ पे, ब्रांड से मतलब है, ठीक है। तो ये देखो सैमसंग का ड्राइवर भी इंस्टॉल हो गया, मतलब कि डाउनलोड हुआ, इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इसी के आगे लिख दीजिए ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, बगल में लिख दीजिए कोष्ठक में इंस्टॉल, तो चलिए हम लोग ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेते हैं, सो इन फोल्डर पे आएंगे, टूल भी हमारा डाउनलोड हो चुका है, भैया दो बार काय हो रहा है यार, चलो कोई दिक्कत नहीं हो जाना, है ये सैमसंग ड्राइवर, इसको नेक्स्ट करके, नेक्स्ट एक सेकंड ये क्या है, इसमें क्या कह रहा है, एवास्ट आपको फ्री में मिलेगा, रुको नहीं करना है तो, हाँ ये तो इसको तो हटाने कोई ऑप्शन है नहीं यार, नहीं 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 रुको यार, ओपेरा तो हमें करना नहीं है यार, अब इसमें देखो इसने की कंडीशन दे दी भैया मेरे कि ये डाउनलोड होगा, चलो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, बाद बाकी इसको बाद में हम लोग अनइंस्टॉल कर देंगे ओपेरा को, अरे वो क्या नाम है एंटीवायरस का, आवाज सैमसंग का ड्राइवर आपका इंस्टॉल हो गया, अब क्या कि सैमसंग को हम जब भी
मोबाइल को कनेक्ट कराएंगे तो हमारा ये ड्राइवर काम करेगा। ठीक है, क्लियर? इतना काम कर लिया, बात बाकी आपको चाहिए फ्लैश फाइल लिख दीजिए, नेक्स्ट, मोबाइल की फ्लैश फाइल। हाँ हाँ, टूल चाहिए, फाइल चाहिए, ड्राइवर हो ही गए थे कि फ्लैश फाइल, और लिख लीजिए इसकी जो फ्लैश फाइल का फॉर्मेट किस में होता, tar.md5, 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 हाँ एक्सटेंशन होता है, फाइल और फ्लैश कैसे करोगे, मोबाइल की, हाँ tar.md, नहीं भाई ये अलग फाइल है, ये देखिए लिखा md5 टाइप, क्या है md5 है, और फाइल में tar कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा, tar लिखा है, tar md5, tar.tar md5, ये md5 की फाइलें होंगी जाके, ये लिखा होगा इसमें, ये सामने है आपके स्क्रीन पे। अरे रुको, भी बता रहे हैं, मतलब इसका एक्सटेंशन है यार, जैसे तुम्हारे नाम के पीछे लिखा है सूरज श्रीवास्तव, सूरज कटियार, सूरज मल्होत्रा, ठीक है सूरज तो तमाम है लेकिन वो अपना टैग लगाए अलग अलग, tar.md5। तो टूल फ्लैश फाइल तो आपको पता ही चल गई, ठीक। अब सिस्टम क्या है कि जो सैमसंग की फाइल होती है वो किस टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है, भाई जो सैमसंग की फाइल है वो दो टाइप से आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट में अगर आप देखेंगे, थोड़ा फॉन्ट बढ़ा लेते हैं, सेकंड, फर्स्ट फाइल जो पहले जो फाइलें आती थी उसमें क्या होती थी, फ्लैश फाइल के अंदर पहली फाइल जो होती थी कौन, तुम्हारी BL, दूसरी फाइल थी AP, रुक जाओ लिख लेना भाई हम बता रहे हैं, तीसरी फाइल होती थी CP, और जो फोर्थ चौथे नंबर की जो फाइल होती थी CSC, ठीक है, ये पहली की जो कुछ फोन थे उनमें फाइलें आती थी, अभी भी आती हैं ऐसा नहीं है, और सेकंड में इसमें आएगा ओनली क्या है, एक ही फाइल होती है और वो होती है AP, और AP का एक नाम और होता है, इसको हम लोग PDA फाइल भी कहते हैं, PDF फाइल भी कहते हैं, मतलब दो नाम है इसको, AP नाम है या PDF फाइल है, तो यानी कि दो तरीके से आपको फाइलें देखने को मिलेगी, जब आप फाइल डाउनलोड करोगे, कहां से डाउनलोड करोगे, गूगल से, जब उसको आप स्टार्ट कराओगे या तो चार फाइलें उसके अंदर निकलेंगी, या तो चार फाइलें निकलेंगी, या फिर जब उसको डाउनलोड करोगे तो क्या करेगा, एक फाइल निकलेगी उसके अंदर, क्या निकलेगी, एक फाइल, यानी कि दो टाइप की फाइलें होती हैं, या तो उसके अंदर कितनी फाइलें निकलेंगी, चार निकलेंगी या फिर एक निकलेगी, अगर चार निकली तो चारों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और एक निकली तो एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और कहां पे करेंगे वो अब हम लोग आगे देखते हैं, है? हाँ ये इस तरीके से बना लीजिए, अरे फर्स्ट सेकंड, हाँ फर्स्ट सेकंड, दोनों होती भैया, मैं समझ लीजिए अपना, ठीक है, वन है ये टू है, ठीक बात बताओ, और क्या है।
और एपी फाइल को हम लोग क्या कहते हैं, पीडीएफ फाइल भी कहते हैं, क्योंकि पुराने टूल जो है उनमें पहले पीडीएफ लिख के आता था, एपी लिख के ही नहीं आता था। तो चलिए अब हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, और अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग टूल देख लेते हैं। हमने डाउनलोड किया था ना टूल, ये था ओडन 3। इसको क्या करेंगे, स्टैक करेंगे 7 जिट से। कौन सा खोलेंगे, एप्लीकेशन डबल क्लिक करके इसको बंद। तो जितने भी एंड्रॉइड फोन है सारी की सारी फ्लैशिंग और अनलॉकिंग आपको इसी टूल से करनी है, सैमसंग का। हाँ फ्री टूल है, पैसे नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है डेटा की, डेटा तो हमें हटाना ही है भाई। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं बैकअप का, पहले कर लीजिए। तो चार फाइलें इस तरीके से जो है ये टूल आपके सामने ओपन होगा, जब भी आप ओपन करोगे। तो यहाँ पे देखो अब क्या है कि जैसे मैंने बताया कि अगर चार फाइलें तो एपी बीएल पे बीएल सीपी एपी जितनी चारों कर लेंगे सिलेक्ट, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, चारों फाइलें कर लेंगे। अगर तो सिंगल फाइल है तब कहाँ पे क्लिक करोगे, एपी पे सिलेक्ट करेंगे अगर सिंगल फाइल है, ठीक है। तो मेरे पास कुछ फाइलें पड़ी हैं, तो चलो हम लोग देख लेते हैं फाइल कहाँ पर पड़ी है। डेटा और उसके बाद सैमसंग J710F। देखो इसके अंदर कितनी फाइल है, एक फोल्डर बना कर एडिट कर देते हैं। कितनी फाइलें हैं, एपी छह हैं, यहाँ पांच हैं, एपी बीएल सीपी सीएससी और होम सीएससी। अब दोनों में क्या डिफरेंट है अभी हम आपको बताएंगे, सीएससी और होम सीएससी में। अब इसमें से कोई भी फाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चार फाइलें आएंगी, तो चारे फाइलें कैसे से सिलेक्ट करेंगे, टूल पे आएंगे, बीएल पे क्लिक करेंगे, कहाँ पर है डिवाइस के अंदर, और जी ड्राइव, डेटा और सैमसंग J710F और ये वाला फोल्डर। एक बीएल था पहली फाइल, बीएल को हमने आराम से उठा लिया, बीएल फाइल सिलेक्ट होगी tar.md5, ठीक है। अब करेंगे एपी, एपी पे आएंगे, एपी सिलेक्ट कर लेंगे, ये बड़ी फाइल होती है, इसको लोड होने में टाइम लगता है, एपी मेन फाइल ही होती है। जब तक गोल गोल घूम रहा ना ये लोड हो रहा, ये फाइल लोड होने में टाइम लेते ही है। बहुत टाइम ले रहा है यार, क्या बात है। आ गई फाइल, देखिए अब करेंगे सीपी वाली फाइल, अब आएंगे सीएससी पे,
सीएससी में चाहे आप ये ले लो चाहे ये ले लो, ठीक है हम ये वाली ले लेते हैं। अभी हम बता देंगे सीएससी और होम सीएससी में क्या अंतर है। तो ये तुम्हारी फाइल सिलेक्शन हो गया, जाके आप आसानी से जो है फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फाइल सेट होगी जाके। अब आपको क्या करना है, मोबाइल को डाउनलोड मोड पे कनेक्ट करेंगे, इस पे करेंगे डाउनलोड मोड पे, और इसके बाद स्टार्ट वाली बटन दबाएंगे और फोन कनेक्ट कराएंगे, या पहले फोन कनेक्ट करा लो या बाद में कनेक्ट करा लो, फ्लैशिंग आपकी चालू हो जाएगी जाके, ठीक है। तो लिखिए फ्लैश करने का तरीका, ओपन टूल, ओपन फ्लैश टूल, हाँ ओपन टूल हो गया ये। इसके बाद सिलेक्ट फाइल, सिलेक्ट फाइल, अब यहाँ पे लिख लीजिएगा सिलेक्ट फाइल। अब देखो चार फाइलें तो समझ में आ गई जाके। अब यहाँ पे लिखिए अगर फाइल, अगर सिंगल फाइल है, अगर सिंगल फाइल है तो उसे सिर्फ एपी पे सिलेक्ट करना है। अगर सिंगल फाइल है तो सिंगल फाइल हाँ, तो वहां से हमको ये तीन से मतलब नहीं, फिर हम एक ही फाइल है तो उसको एपी करेंगे नहीं, ये बस एपी डाल देंगे और डीएल सीपी सीएससी कोई मतलब नहीं है, चारों करनी है, चारों करनी है। अगर एक फाइल है या सिंगल फाइल है तो एपी पर सिलेक्ट करना है, हाँ उसके बाद है ये। की फाइल है तो उसे एपी पर सिलेक्ट करना है। और फॉर्म क्या नहीं था, पीपीटी फेस नहीं था, ले लीजिए मैडम सर, हाँ मिल जाएगा उसी दिन आ गया शनिवार, ठीक है। तो फाइल में कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन में फाइल आप सिलेक्ट कर लोगे आराम से, किसी को प्रॉब्लम, लाल मोहन जी भाई अगर चार है तो चारों कर लो यार, ठीक है। अगर एक है तो इसके किसको कहाँ पे लाओगे, एपी पे लाओगे, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना आपको जो है काम कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए मोबाइल को, हाँ ये बता दिया मैंने, नेक्स्ट लिखिए मोबाइल को डाउनलोड मोड में लाना है, मोबाइल को डाउनलोड मोड में लाना है, और ये तरीका हम बता चुके हैं किस तरीके से डाउनलोड मोड पे लाएंगे। आप मोबाइल को डाउनलोड मोड पे लाना है तभी फ्लैशिंग स्टार्ट होगी, जब तक आप डाउनलोड मोड पे नहीं लाएंगे आप जो है फ्लैशिंग नहीं कर सकते, प्लस माइनस और होम की वाली, प्लस माइनस नहीं दबाना, माइनस मैं बता रहे तुम्हें, देखिए ये तुम्हारे सामने स्क्रीन है, उसकी स्क्रीन पे एक इमेज हमने दिखाई है, तो क्या करोगे, पहले आप सैमसंग का जो मोबाइल आता है पहले उसको ऑफ करोगे, जब मैंने मोड बताया तब मैंने इस प्रोसेस बताया था, पहले मोबाइल को ऑफ करोगे, ऑफ करने के बाद क्या करोगे, वॉल्यूम माइनस, पावर वाली बटन और बीच में जो होम की होती है उसको दबाएंगे, तो आपकी स्क्रीन पे क्या आएगा, ये वाली विंडो आ जाएगी, वार्निंग लिखा होगा और यहाँ पे लिखा होगा वॉल्यूम अप टू कंटिन्यू और डाउन टू कैंसिल, तो आपको कर देना है वॉल्यूम अप, तो आपका ये दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, डाउनलोडिंग। जब इस मोड पे आपका फोन आ जाएगा फिर उसको आप डाटा केबल से कनेक्ट करेंगे, जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका फोन यहाँ पे एडेड है इस जगह पर, और यहाँ पे आईडी कॉम दिखाएगा, या डिवाइस मैनेजर पर देखना चाहो तो वहां पर दिखाई देगा, और इसके बाद फाइल सिलेक्ट है, फोन भी कनेक्ट है, और क्लिक स्टार्ट बटन, लास्ट में क्लिक स्टार्ट, फ्लैशिंग चालू।
बस सैमसंग मोबाइल में सॉफ्टवेयर चल जाएगा, हम बताएंगे। अभी भी क्लास तो खत्म होने दो, आगे उत्तर तो होने दो कंप्लीट। यहां तक किसको प्रॉब्लम बताओ, किसी को प्रॉब्लम हो यहां तक तो बताइए, यहां तक किसको समझ नहीं आया। आर्यन बताओ, हरिओम हाँ वो तो बताई दिया, उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया, सिंगल फाइल है तो एपी पे, चार फाइल है तो चारों पे, ठीक है। सूरज जी कानपुर में पता है सबसे फेमस क्या चीज है, क्या फेमस है कानपुर में, पता नहीं, कानपुर का भंडारा बहुत फेमस है। अभी भी लाइन लगी है ठीक, हर जगह यही बच्चा है। हाँ बिल्कुल, कानपुर में भंडारा बहुत फेमस है ठीक है, ठीक है ठीक है। तो अब अगर चार लोग जाओगे इसमें से तो चारों लोग खा के आना ठीक है, अब अकेले जाओ तब भी खा के आओ ठीक है। तो वहां पर भी यही सिस्टम है, चार है तो चारों लोग खाओ, अगर एक है तो ये छोड़ के आता हूँ खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पता नहीं सर अपने कान वगैरह का भंडारा कहीं नहीं होता है, बताओ भाई इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को है? नहीं चलो इतना कर लिए। अब एक डालिए प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम, अगर मोबाइल को मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने के बाद भी उसका उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, यानी कि पैटर्न लॉक लगा है तो पैटर्न नहीं लॉक लगा, फ्लैश तो हो गया पूरा, पहले प्रॉब्लम समझ लीजिए, यानी कि दवाई तो दी लेकिन उसके अंदर कोई भी फायदा नुकसान नहीं हुआ, होम्योपैथिक वाली ठीक है, दवाई दी, ऐसे कई बार होता ना सर दर्द है, फीवर है, दवाई तो दे दी, टेबलेट खा ली, दो खा ली, डॉक्टर की पूरी खुराक खा ली ना, लेकिन कोई असर नहीं, ऐसा होता है नहीं होता है बताओ लाल मोहन जी ठीक। तो ऐसी तुम्हारी प्रॉब्लम मोबाइल के साथ में भी आएगी, मोबाइल के साथ में प्रॉब्लम क्या आएगी कि मान लो उसमें पैटर्न लॉक लगा है या उसमें आपको सॉफ्टवेयर करना है ठीक है, तो उसमें आपने सॉफ्टवेयर तो कर दिया, फाइल भी डाउनलोड कर ली, सब कुछ कर दिया, फोन कनेक्ट फ्लैश भी कर दिया और उसने पास भी दिखा दिया, पूरा सॉफ्टवेयर भी हो गया उसके अंदर, लेकिन जब आपने फोन निकाला ऑन किया तो उसमें पैटर्न लॉक, तो पैटर्न लॉक लगा ही हुआ है ना, बोले बोले पैटर्न लॉक लगा, या हम जब उसके गैलरी में गए तो देखा उस फोटो की फोटो अभी भी पड़ी है ठीक, यानी कि जो हैंग कर रहा है अभी भी हैंग कर रहा है, तो ऐसी भी प्रॉब्लमें आएंगी सैमसंग मोबाइल के साथ में ठीक है। तब हमें क्या करना है, तो इस पॉइंट को लिख लीजिए कि सैमसंग मोबाइल को फ्लैश करने के बाद भी उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है तब क्या करेंगे। तो फ्लैश करने के बाद भी कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, कोई भी हाँ फ्लैश करने के बाद भी कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, तब हमें ऑप्शन पे क्लिक करना है, कहाँ पे करना है, क्लिक ऑप्शन, ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये ऑप्शन सामने देखो यहाँ पे टूल में ऑप्शन है ये हाँ, और नैंड इरेज को सिलेक्ट करना है, नैंड इरेज को सिलेक्ट करना है, ऑप्शन के अंदर जाना है, इस ऐसे लॉग पे होगा आपको ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे अनटिक होगा ये, तो आपको इस पे टिक लगाना है, नैंड इरेज को सिलेक्ट करना है बस, बाद बाकी पूरा प्रोसेस वही है, फाइल सिलेक्ट और स्टार्ट वाली बटन ठीक है। ऑप्शन के अंदर जाएंगे और नैंड इरेज पे तो सिलेक्ट करेंगे और फिर फ्लैश करेंगे, ऑप्शन फिर ये नैंड इरेज इस पे टिक लगाएंगे, सिलेक्ट करेंगे इसमें
हाँ, और फिर से फ्लैश करेंगे और फिर वही है, फोन को दोबारा से फ्लैश करना है। ठीक है, क्लिक टू स्टार्ट पर तो वही प्रोसेस होता है जैसे। ठीक है, जैसे तुम लोगों से हम लोग कई बार बोलेंगे आई कार्ड पहन के आया करो। ठीक है, सिंपल प्रोसेस में इन कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस दिन क्लास से बाहर निकाल देंगे उस दिन से फर्क पड़ने लगेगा। ऐसे यहाँ पे है कि जब उसको फ्लैश किया, ठीक है, फ्लैश किया, उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे आएंगे, ऑप्शन पे आएंगे और नैंड इरेज पे टिक लगा देंगे, इसके बाद फ्लैश करेंगे। ठीक, जिसका नहीं बना है वो फोटो वोटो देके अपना बनवा लो। दे दिए तो मैं मैडम से बोलूं बन जाएगा। अच्छा, दे दिए दो। हाँ, अच्छा, फोटो चोरी हो गई है। तो ये प्रोसेस समझ में आया कि भाई अगर कुछ भी चेंजमेंट नहीं हो रहा फोन के अंदर, हमने उसको फ्लैश भी कर दिया, ठीक है, नहीं आ रहा, तो भैया नैंड इरेज पे आएगा। ऐसे तुम लोग खूब घर में अनुवाद करते हो ना, चाहे कितना समझाया जाए लेकिन नहीं, करना ही करना है, फिर लट बचता है पिताजी का जब, ठीक है, जूते चप्पल सब सुधरते हो, हैं? हैं? मार खाने ज्यादा शौक है, बताओ पहले, मतलब कि मतलब मानना नहीं है ना, मार खाने ज्यादा जरूरत है इनको। ठीक है यार, ऑप्शन दे रहे भाई मेरे, यार सीधी सी बात है, देखो मेरी बात सुनो पहले, ठीक है, अभी शादी तो भी नहीं हुई है, ठीक है, शादी भी नहीं हुई है, ठीक है, अभी आपको पता है अभी आपकी कितनी उम्र है, 23 साल है, ठीक है, तो 50 साल जब होगी, ठीक है, 60 साल होगी तो दूसरा दांत ही गिरने लगेंगे, ठीक है, तो नकली वाले दांत लगाए जाएंगे, तो क्या मतलब आज ही तोड़ के नकली दांत लगवाओगे आप, बताओ? नहीं नहीं बताओ बताओ, लगवाओगे आज ही? नहीं लगाए तो इसका भी वही प्रोसेस सेम है कि भाई मेरे पहले समझाएंगे यार, ठीक है, तो इंतजार करेंगे, जब नहीं होगा तब जाके नकली दांत लगवाएंगे यार, ठीक है, और पहले करना जो कर लो, पहले कर लो, क्या दिक्कत है, क्यों ना राकेश जी बताइए, क्यों सूरज जी? तो भाई हर चीज का एक प्रोसेस है यार, कि पहले हम क्या करेंगे, ठीक, पहले बेसिक लेवल पे काम करेंगे, जब प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी तो फिर हम जाएंगे, यहां तक किसी कुछ प्रॉब्लम है तो पूछे हमसे, तो फ्लैशिंग समझ में आई सबके, लेकिन हमने इतने आसानी से बता दिया, इतने आसानी से आप कर लोगे, लेकिन समसिंग फोन को तब भी नहीं फ्लैश कर पाओगे। हाँ बाबू बताएंगे, मतलब इतना सिंपल प्रोसेस है, ठीक है, यूट्यूब पर हजारों वीडियो पड़े हैं सिंपल, इसी तरीके से लोग करते हैं, हो जाता है उनका, और ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा जैसे मैंने बताया ऐसे होगा, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं, उसकी एक वजह है, ठीक है, वजह ये है, ब्रेक के बाद आना है, ऐसे करते हैं, न्यूज़ बदले ब्रेक के बाद देखिए अगला स्पोर्ट है, क्या हुआ मोहम्मद अजीम बिहार से, हंसी तुम्हारी यहां तक आ रही है, अरे माइक तुम्हान कर लो, बहुत खुश हो, कहाँ मिल गया सुबह सुबह, हैं, रास्ता रास्ता आ गया क्या, कि लड़के लड़की देखने जाना, हमारा एक फ्रेंड गया है लड़की देखने आज, माइक ऑन कर लो भाई, बहुत खुशी हो रही है भाई, कहाँ पे था लड़की देखने, कहाँ गए है तुमको जाना है बिहार, तुमको जाना है, तुम यार बिहार में हो, बिहार में हो, कोई बात नहीं सर, आ जाओ, क्या क्या हो गया, क्या मिल, कुछ मिला है सुबह से, खुश नजर आ रहे हो, मिल नहीं सर, मिला तो कुछ नहीं, लेकिन मिला तो कुछ नहीं सर, आ जाता कभी कभी खुशी, अच्छा खुशी आ जाता कभी कभी, चलो ठीक है, क्यों नहीं कर पाते, कि इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है बाइनरी की, किसकी आती है, बाइनरी की, अब ये बाइनरी क्या है, बाइनरी भाई नंबर नहीं यार, वो अलग होता है, बाइनरी नंबर 01 बाइनरी, अभी बढ़ाएंगे बाइनरी क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, टूल भी आपकी सही है, फाइल भी सही है,
लेकिन फिर भी नहीं फ्लैश कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? इसमें हमें दो चीजें देखनी पड़ती हैं। क्या देखनी पड़ती हैं? एक तो मोबाइल की, मोबाइल का बाइनरी क्या है, और जो हम लोग उसके अंदर फाइल डाल रहे हैं उसका जो है बाइनरी क्या है। ठीक है, सेम कंडीशन ये कि अगर आपको ब्लड की आवश्यकता पड़े, किसी वजह से आपके शरीर में ब्लड कम हो जाए, तो आप चाहोगे राकेश जी का निकाल के अपने डाल लें, वो भी लाल है, ये भी गाढ़ा है, ये भी गाढ़ा है, तो आप मर जाओगे। ठीक है, ठीक है, ब्लड है तो भैया ब्लड है। ठीक, तो उसमें हमें क्या देखना पड़ता है? ग्रुप देखना पड़ता है, ग्रुप देखना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है कि हमें यहाँ पे मोबाइल का और मोबाइल की फ्लैश फाइल का बाइनरी हमको दोनों मैच करानी पड़ती है, तब ये प्रोसेस आसान हो जाता है। ये बात बताइए मत, किसी दिलवा देंगे निकाल लेंगे। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, इतने मच्छर काटेंगे सबको पकड़ के रख लेंगे ये। इसको खाने से भी हमारा ब्लड बढ़ेगा, कम पड़ जाएगा ना। तो इसमें यही प्रॉब्लम आती है हमें, सिर्फ बाइनरी। ठीक है, तो डालिए हेडिंग मोबाइल की और फ्लैश फाइल की बाइनरी को चेक करना। सैमसंग के मोबाइल की और फ्लैश फाइल की बाइनरी चेक करना। सैमसंग के मोबाइल की बाइनरी और फ्लैश फाइल की बाइनरी चेक करना। मल्टीमीटर वहां से एक निकाला था क्या नया डब्बे से किसी ने? उसमें 9 निकले, 10 मंगवाए थे मैंने, पता है किसी का मल्टीमीटर खराब हुआ, उसने डब्बे से किसी ने लिया तो बता दो, नहीं तो दुकान वाले बोल दें। लगा हो वही कुन्ने में।